मसला कश्मीर समेत दीगर मसाइल हल के बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। मुसलसल कशीदगी और वसाइल जंगों में झोंकने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान खत्ते में तनाव नहीं, तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद, लेकिन दूसरी जानिब से भी ईमानदाराना रद्देमल होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर भारत को वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने का मुआहदा मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास 16 जुलाई को इस्लामाबाद में तलब। इजलास में मुल्की और बैन अवी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तोशाखाना केस में PTI चेयरमैन के खिलाफ ट्रायल का आगाज 12 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। मजीद वक्त के लिए वकील की इस्तदा मुस्तरद, महफूज फैसला जारी। इस्तगासा के गवाह तलब, अदालत का सरबरा तहरीक इंसाफ की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन PTI के वकील ने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी का मंशूर अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए रोड मैप बना रहे हैं। हमारी पार्टी पाकिस्तान का मस्बत तशख्स उजागर करेगी। और गुजरांवाला में सियालकोटी फाटक के करीब ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गईं। रफ्तार आहिस्ता होने के बायस ट्रेन बड़े हादसे से महफूज रही। बोगियां ट्रैक पर लाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी।